Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am going to explain one of the most sensitive poem, Mother, and it is one of my favorites also. And this particular poem is written by our former president APJ Abdul Kalam. Let me just tell you the brief and the background, okay, or the situation of the poem, under what influence, under what situation this particular poem is written. स्टूडेंट्स पोएट अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि उनकी माँ और उनके बीच में क्या रिलेशन था और वो कितने खूबसूरत मोमेंट्स थे, ठीक है. एंड इन दिस पोएम वी विल सेलिब्रेट द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड. सो लेट्स स्टार्ट. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10 स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. स्टूडेंट्स एनवी का मतलब होता है जेलसी, जलन करना, ठीक है. तो यहाँ पर पोएट अपने उन दोनों को कह रहे हैं कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं करीब करीब 10 साल का रहा हूँगा और मैं अपने भाई बहनों के कंपटीशन में कि वो लोग मेरी माँ को ऑक्यूपाई ना कर ले, मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के सो जाता था. इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर. फिर वो बताते हैं, अच्छा यहाँ पर जो फुल मून नाइट दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ड लिख तो दिया है, लेकिन इट हैज़ सेवरल मीनिंग्स एंड सेवरल इंटरप्रिटेशन. कि वो सिर्फ और सिर्फ कहते नहीं, ये पूर्णिमा जो एक कंप्लीट नाइट होती है, ठीक है. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि चाहे जैसी भी रात हो, चाहे वो फुल मून नाइट हो, चाहे वो न्यू मून नाइट हो, कुछ भी सिचुएशन रही हो, मेरे लिए मेरी दुनिया तो बस मेरी माँ ही थी और मेरी माँ के लिए पूरी दुनिया मैं था. When at midnight I woke up with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. अच्छा फिर वो एक इंसिडेंट याद करते हैं और कहते हैं कि आधी रात में जब मैं कभी बिस्तर से गिर जाता था और मेरे घुटनों में चोट लग जाती थी तो सिर्फ माँ उस समय तुम थी जो मेरे चोट का, मेरे दर्द का तुम्हें एहसास हुआ करता था. सिर्फ तुम थी जो मेरे दर्द को जानती थी कि कैसे ये जाएगा, ये कैसे या क्या करना है. सिर्फ तुम्हें ही मेरे पेन का एहसास था. Your caring hands tenderly removing the pain. अच्छा tenderly का मतलब होता है gently, softly, प्यार से. और फिर वो याद करते हैं कि माँ मुझे चाहे जितना भी दर्द रहा हो लेकिन तुम्हारा प्यार भरा हाथ जब मुझे छूता था, जब मुझे भाकी मारता था, जब मुझे ये एहसास कराता था कि हाँ तुम हो मेरे साथ हमेशा, जब तुम मुझे प्यार से पुचकारती थी, जब तुम मेरे चोट पर सहलाती थी, तो धीरे धीरे मेरा सारा दर्द दूर हो जाता था. योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, कि तुम्हारा प्यार, फिर वो कहते हैं कि माँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लाड दुलार, तुम्हारा मुझ में विश्वास मुझे ताकत देता था टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ. और किस बात की ताकत देता था, ताकि मैं इस दुनिया को बिना डर के फेस कर पाऊँ और सारे चैलेंजेस को बिना डर के अपना संघर्ष पूरा करूं. और तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लाड़ दुलार और तुम्हारा जो मुझ पे विश्वास था, यही मेरी सच्ची ताकत पूरी ज़िंदगी भर के लिए बन गया. वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर. दिस पर्टिकुलर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम दिस लाइन वी कम टू नो दैट हिज मदर इज़ नो मोर. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, जजमेंट डे का रेफरेंस हमारे यहाँ कुरान में भी आता है और बाइबल में भी आता है. बाइबल में ये डूम्स डे के नाम से आता है, ठीक है, एंड कुरान में ये कयामत की रात या कयामत के दिन के रेफरेंस को लेकर के आता है. मीन्स द लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, जब पूरी प्रलय आ जाएगी और सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, उस समय क्या होगा, भगवान सबके जो है, ईश्वर जो है, सबके कर्मों का हिसाब किताब करेंगे कि किसकी क्या गति होगी, ठीक है. उस दिन वो अपना जजमेंट सुनाएंगे. तो दैट डे उस समय क्या होगा कि जितने भी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई जीव जंतु हो, वो सब लाइन से खड़े होंगे और जजमेंट सुनेंगे और ईश्वर अपना जजमेंट देंगे. तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम जो है मुझे छोड़कर जा चुकी हो, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है. लेकिन हाँ, हो सकता है जजमेंट डे के दिन जब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और हम लोग जजमेंट डे के दिन जब ईश्वर के सामने खड़े होंगे, तब शायद से हमारी मुलाकात फिर हो. स्टूडेंट्स वेरी सेंसिटिव पोएम एंड इट व्हेनेवर आई रीड दिस पोएम आई गेट फिल्ड विद फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स.
स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू एंड डू कॉमेंट ऑन माई वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग, कीप लविंग माई चैनल, कीप लविंग लिटरेचर. बाय बाय.